हम लोग तोके के जंगलों में घूम रहे हैं, आधे पौन घंटे से पैदल चल रहे हैं। निपट तो नहीं जाऊंगा खाके, बहुत बड़ी संख्या में जवान आए तो यहीं पे रुके हुए थे मुठभेड़ से पहले। बाबू नदी कितना दूर पड़ेगा अभी? नदी के पानी की आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही, लेकिन मेरे सब्र का बांध जरूर टूट जा रहा है। कल से है भुजमाड़ में, अब तक 3-4 कीड़े खा चुका हूँ मैं। अगर ऐसा रहा तो कैसे ग्राउंड रिपोर्ट करूँगा आगे? कहाँ गए? बताते हैं कि घमंडी जो गांव है, आपको वहाँ पहुँचते पहुँचते आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा। अब भुजमाड़ के जंगलों में लगातार मुठभेड़ हो रही है और लगातार जवानों को सफलताएं मिल रही हैं। जवान लगातार माओवादियों के कोर इलाके में घुसकर ऑपरेशन कर रहे हैं और इसी तारतम्य में बीते 30 जून से 4 जुलाई तक एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें जवानों ने दावा किया कि उन्होंने 5 माओवादियों को मार गिराया, साथ ही साथ उनके हथियार भी बरामद किए हैं। मुठभेड़ के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पुलिस के अधिकारियों ने सारे साजो सामान दिखाए जो वहाँ से बरामद किए गए थे। लेकिन वहीं जब मारे गए माओवादियों के शव लेने उनके परिजन पहुँचे तो उन्होंने बताया कि जो पुलिस जिन्हें दावा कर रही है कि माओवादी हैं, दरअसल उनमें 4 लोग ग्रामीण हैं और 4 ग्रामीण हैं तो वो जंगल की तरफ में थे जब फोर्स आई, तो इस तरह से उन्होंने अपने बयान में बताया। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी। गाँव वालों ने फ़ोन करके कहा कि सर इस घटना की भी ग्राउंड रिपोर्ट कीजिए, तो ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए आए हैं। अभुजमाड़ के बहुत अंदर है ये, और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि अभी फ़िलहाल हम तोके गांव में हैं। रात हमने इसी गांव में बिताया क्योंकि जब कल हम यहां पहुंचे, कल सुबह से हम चल रहे हैं, चलते चलते कार और मोटरसाइकिल की मदद से जब यहाँ पहुँचे तो बज गए थे, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो हमको यहीं रुकना पड़ा। पूरी रात बारिश हुई है। अब बारिश होने के बाद अब हम यहाँ से घमंडी, जहाँ पे मुठभेड़ हुई है, तोके से घमंडी तक पैदल ही जाना पड़ेगा। और सबसे पहली चुनौती ये बरसाती नाला, हालांकि अभी इसमें पानी बहुत कम है, लेकिन बताते हैं कि आगे और ऐसे एक दो नाले पड़ेंगे जिसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा है। और 3 पहाड़ियाँ हैं जिन्हें पार करना पड़ेगा, लेकिन जब 8 नक्सली मारे गए उसकी रिपोर्टिंग की गई तो गांव वालों के निवेदन पर इस रिपोर्टिंग को भी करना है। कुछ ग्रामीण हैं हमें जो उस गांव तक ले जाएंगे और हम इस तरह से पैदल जाएंगे। मैंने नीचे जो है हाफ पैंट पहन रखा है और उसके ऊपर रेनकोट, ये इसलिए कि मच्छर बहुत हैं यहाँ पर। अरे भाई सब छोड़ के चलेगा, मैं वीडियो ही बनाते रह गया, आदत नहीं है। ठीक, यहीं कहीं चूहा भी है बताते हैं, अभी गांव वाले बता रहे थे कि यहीं कहीं चूहा है, उन्होंने बनाया है छोटा सा जो डूबने वाला है और उसी से पानी वो लोग पीते हैं। तो ये इस तरह से बोलते हैं ना कि बरसात में माओवादियों के लिए इलाके और अनुकूल हो जाते हैं, तो उसका कारण यही है क्योंकि जंगल और पहाड़ियों से परिपूर्ण इस बस्तर में बरसात में ऐसे बहुत सारे नदी नाले उफान पर आ जाते हैं, और जब वो उफान पर आ जाते हैं तो ऐसे में जवानों को उन्हें पार करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ऐसी घटनाएं भी हुई हैं कि जवान इन बरसाती नालों को पार करते हुए उसमें बह भी गए। सिलगेर के पास की एक घटना मुझे याद है अभी हाल फिलहाल की। तो इसीलिए अंदरूनी इलाकों में ऑपरेशन करना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो ये नाला हमने पार कर लिया है और आपको दिखाएंगे आगे। ये देखिए यहाँ
ये किसी लोहार का सेटअप है? हाँ, लोहार वाला है, लोहार की। यहाँ पे किसी ग्रामीण लोहार के द्वारा ये सेटअप बना के रखा है, जिसमें कुल्हाड़ी उल्हाड़ी चक्कू छुरी तेज करना बनाना ये सब। पानी को खाली करोगे सर? हाँ, थोड़ा आगे चल, खाली करता हूँ, जूते में पानी भर गया है मेरे। ग्रामीण क्षेत्र में रिपोर्टिंग करने के लिए स्पेशल मैंने ये जूता खरीदा है, प्लास्टिक का। और यहीं से दिखाता हूँ आपको, वो ऊंची पहाड़ी दिख रही होगी आपको, इस तरह की तीन पहाड़ियाँ पार करना है हमको। सुबह 7 बजे हुए निकल गए हैं, बहुत उम्मीद थी कि जिस घर में रुके तो वहाँ चाय मिल जाएगी, लेकिन चाय मिली नहीं, तो बिना कुछ खाए पिए चले गए। चल पड़े, अब देखो कब तक चलना है। अभी आधे घंटे से लगभग हम लोग आधे पौन घंटे से पैदल चल रहे हैं, और बारिश की वजह से जंगल में उमस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरे चेहरे का हाल आपको बता रहा होगा, स्थिति क्या है। चलते चलते अचानक ये एक पेड़ नज़र आया, ये देखिए इस तरह से ये फल लगा हुआ है। गांव वाले बता रहे हैं इसको भी खाया जाता है, ये फल जब ऐसे पक के लाल हो जाए इस तरह से तो इसको खा सकते हैं। दिखाओ दादा, ये गोंडी में टाडो बोलते हैं, गोंडी में इसको टाडो बोलते हैं, टाडो टाडो फल। इसको खा सकते हैं क्या? धोना पड़ेगा, एक आध हल्का सा धो तो, एक टन तो पानी मत बर्बाद करना, इतने ही पानी है। गर्मी में तो अलग है, लेकिन बारिश में ये समझ में आया कि ये निपट तो नहीं जाऊंगा खा के। पता चला एक पत्रकार जहरीला फल खा के बीच जंगल धराशायी हुआ। कैसे खाना है इसको? अंदर का बीज है ना, इसके निकल के ऐसे निकलता है। हाँ, तो बीज को खाना है? हाँ, बीज को खाना है, चूचना है, चूचना है। हाँ, इसको दादा बता रहे हैं चूचना है, मतलब कि चूसना है। अच्छा, ये इस तरह से रहता है ये। मस्त मीठा है अंजीर जो होता है ना, खट्टा मीठा है। बस्तर में, बस्तर के लोग एक फल होता है जिसको टेमरू बोलते हैं क्या? एक तो टेमरू होता है ना, टेमरू होता है, डूमर। ये डूमर का छोटा रूप है, लेकिन ये खट्टा मीठा है। बता रहे हैं कि उस दिन जब बहुत बड़ी संख्या में जवान आए तो यहीं पे रुके हुए थे मुठभेड़ से पहले, ये बनाए हैं क्या? काय के लिए? ओढ़ने के लिए। यहीं पे ये देखिए, ये किसी जवान का ये यहाँ छूट गया। और एक चीज़ तो है, मुठभेड़ पे आरोप लगे और जो भी हो, लेकिन एक ख़ास बात और है कि जवान पैदल बहुत चल रहे हैं। मैं पैदल चल रहा हूँ तो समझ में आ रहा है, मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है कि इतना प्रेशर होगा जवानों पे कि इतनी दूर पैदल जाना है, खाली हाथ नहीं आना है। कहीं ऐसा तो नहीं अधिकारियों के डांट डपट और पनिशमेंट से बचने के लिए जवान जंगल में जो मिले गोली मारते हैं? कुछ भी हो सकता है, ये मेरा ओपिनियन, मतलब मैं नहीं बोल रहा ऐसा हुआ होगा। चुके हैं, फिर चढ़ रहे हैं, अभी दो पहाड़ी और बची हुई है और ये शॉर्टकट है, तब चार पहाड़ी है। सुबह लगभग 7 बजे से पैदल चल रहे हैं हम लोग ना, 2 घंटा हो गए, 9 बजे, और 2 घंटे में हमारे जो गाइड महोदय हैं, जो भाई साहब जो हमको ले जा रहे हैं,
वो बता रहे हैं अभी तो आधा नहीं हुआ है सर, अभी तो नदी आएगा और नदी के उधर जो है घमंडी वालों का इलाका है और इधर टोके वालों का। तभी हम लोग टोके के जंगलों में घूम रहे हैं, अभी बहुत दूर है नदी और उसके बाद फिर आधा होगा, तो उसके बाद फिर और चलना है, मतलब 2 घंटा चल चुके हैं। क्यों बाबू नदी कितना दूर पड़ेगा? अभी अभी पहाड़, अब ये पहाड़ी उतरेंगे तो नदी है, छोटा छोटा पहाड़ी बोल के हिमालय चढ़ा रहे हो तुम जब से चढ़ चढ़ के। हालत एक तो आज सुबह कुछ मिला नहीं खाने को, थोड़ा सा बिस्किट था तो रास्ते में खाए हैं और ये लकड़ी का झूला मिल गया तो बोला थोड़ी देर यहाँ सुस्ता लिया जाए, प्राकृतिक झूला है और शरीर जो है डिहाइड्रेट होने लगा है। हालांकि बादल छाया हुआ है और टेम्परेचर बहुत डाउन है, लेकिन फिर भी जंगल में जो उमस है वो हालत ख़राब किए जा रही है। और बारिश और गर्मी दोनों में अलग अलग चुनौतियाँ होती हैं जंगलों में। गर्मी के समय में आपको डिहाइड्रेट आप ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि उस समय टेम्परेचर और ज़्यादा रहता है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको झरन मतलब कि झरने का पानी मिल जाता है मीठा पीने के लिए। और बारिश में एक समस्या है कि आपको टेम्परेचर थोड़ा डाउन ज़रूर मिलेगा, उमस होगी, लेकिन पीने के जो जितने स्रोत हैं पानी के वो बारिश की वजह से गंदे हो जाते हैं। अभी रास्ते में गाँव वालों ने बताया था कि एक जगह पीने का पानी मिलेगा, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो देखे वो पानी पूरी तरह से मटमैला हो गया था और यहाँ कोई पीने के पानी का स्रोत नहीं है। और टोके गाँव के पास सीधे घमंडी गाँव है, बीच में कोई गाँव भी नहीं। तब देखते हैं कितना देर और कैसे पहुँचते हैं, लेकिन हालत ख़राब हो गया है, चलते चलते हालत ख़राब हो गया। और बहुत अच्छा है कि मैं नीचे रेनकोट पहना हूँ जिससे जंगल में चलने में बहुत सहूलियत है। सहूलियत इसलिए क्योंकि इतने मच्छर हैं यहाँ जो पैर में काट नहीं पा रहे हैं रेनकोट की वजह से, और जब थक जा रहा हूँ तो मिट्टी गीली है लेकिन रेनकोट की वजह से कहीं भी बैठ जा रहा हूँ। और जो हमारे गाइड हैं वो भाई साहब बताए थे कि जब नदी आएगी तो वहाँ से रास्ता लगभग आधा होगा। नदी के पानी की आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही लेकिन मेरे सब्र का बांध ज़रूर टूट जा रहा है। आप जंगल देखें, बेहतरीन जंगल है और लगातार हम पहाड़ी चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, चले जा रहे हैं। ये भी गजब का अनुभव। और अब अभी बीच में मैं अपना वजन तौला था तो 90 किलो वजन था मेरा। 90 किलो वजन होने की वजह से क्या होता है कि जब पहाड़ी उतरता हूँ ना तो मेरे घुटने में, दाएं घुटने में दर्द होने लगता है। इसका क्या उपाय करूँ, वजन कैसे कम करूँ समझ में नहीं आ रहा है। खाने का शेड्यूल बहुत उटपटांग है और सोने और उठने का भी, अगर ऐसे रहा तो कैसे ग्राउंड रिपोर्ट करूँगा आगे। फिर ये सोच रहा हूँ कि जो जवान है वो कितना मतलब उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा होगा इतनी लंबी दूरी। मैं तो फिर भी टोके तक मोटरसाइकिल से आया और टोके से पैदल चल रहा हूँ, और जवान जो हैं वो पूरा पैदल चल रहे हैं जहाँ से उनका ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। ये सोचो कहाँ गए, किधर गए हैं, सीधे रुक जाओ भाई, छोड़ के मत चल देना नहीं तो पता चला अबूझमाड़ की भूल भुलैया वाली पगडंडी में ही हम घूम ना जाए। किस तरफ, सीधे आऊं? ठीक, तो आप सोचो
देखिए इस जंगल में, गांव वाले बता रहे हैं कि पीछे पहाड़ी में जवान रात भर सोए थे, आराम कर रहे थे। जंगल में कैसे आराम कर सकते हैं, कहाँ सोए होंगे। बारिश अलग हो रही है, मच्छर अलग, और यही वजह है कि जवानों को डेंगू और मलेरिया बहुत होता है, क्योंकि यहाँ उनके मच्छर बहुत हैं। और नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा ज़रूर किया जा रहा है, पर जवानों के तत्काल उपचार इलाज के लिए कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं खोला गया बस्तर में अब तक। जगदलपुर में एक बिल्डिंग ज़रूर बनी, पता नहीं कब उद्घाटन होगा, और होगा तो इलाज होगा कि नहीं ये पता नहीं। खैर, लेकिन दूसरी बात कि माओवादी भी यहाँ पे कैसे सरवाइव कर रहे हैं, जवान कैसे आ रहे हैं, और यहाँ जो ग्रामीण हैं वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं। बताते हैं कि घमंडी जो गांव है, आपको वहाँ पहुँचते पहुँचते आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा, अगर आपके अंदर बहुत ट्रैकिंग करने का कॉन्फिडेंस होगा तो भी। लेकिन वो गांव वालों के लिए अगर अपने दैनिक उपयोगी सामान के लिए बाज़ार जाना है तो इसी रास्ते से पैदल चलना होता है, और बहुत दूर तक। ये भुजमाड़ का जंगल, कितने ही गांव यहाँ पे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है, कुछ नहीं। और सरकार से सवाल पूछा जाएगा तो सरकार के पास एक बहुत बढ़िया सा जवाब है कि माओवाद से ग्रसित इलाके हैं, इसलिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन जब माओवाद समाप्त हो जाएगा तो मुझे लगता है कि सरकार के अनुसार कि इन इलाकों में बड़े बड़े मॉल खोल दिए जाएंगे ताकि गांव वालों को दूर तक ना जाना पड़े। अगर आप छोटे शहर से देख रहे हैं तो आप बताइएगा कि आपके शहर में अगर माओवाद नहीं है तो आपके शहर में सरकार ने व्यवस्थाएं कितनी शानदार कर रखी हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि बस्तर के जिन इलाकों में सरकार व्यवस्था नहीं पहुंचा पाती है उसको लेकर सरकार के लोगों का यही कथन होता है, क्या करें भैया, हम करना तो चाहते हैं लेकिन माओवादी इतना ज़्यादा प्रभावित इलाका है, इस वजह से हम वहाँ नहीं कर पाते। तो जो समस्याएं यहाँ हैं वो शहरी इलाके में भी हैं, तो वहाँ क्या है, वहाँ के लिए अलग जवाब तैयार करके रखी होगी। अभी और पैदल चलना है, 2.5 घंटे पैदल चल रहे हैं, और देखिएगा आगे। धन्यवाद।